Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने एग्जाम के लिए जो तैयारी है वो आप अपना अंतिम टच अपने तैयारी को दे रहे होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे सर शॉर्ट वीडियो बनाया कीजिए, तो आज मैं उसी एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत छोटा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एट्थ शेड्यूल, ठीक है। देखिए आठवीं अनुसूची जो है ये क्या है, तो सबसे पहले हम अनुसूची क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे कि अनुसूची क्या है, शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी तो कोई परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी समझ के अनुसार जो परिभाषा बन सकती है वो परिभाषा ये है कि अनुसूची जो है ये अनुच्छेदों का विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। विस्तृत व्याख्या को क्या कहा जाता है, अनुसूची। इट मीन शेड्यूल्स आर द एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो आप देखिए जैसे आप अनुच्छेद की बात करते हो, आर्टिकल की बात करते हो, तो आपको मालूम है हमारा संविधान का अनुच्छेद एक जो है वो क्या बोलता है, इंडिया अर्थात भारत, या भारत अर्थात इंडिया जो भी बोलिए, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। यही बोलता है कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बोल के ये आर्टिकल छोड़ देता है। तो मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब जो संघ का निर्माण होगा वो कई सारे राज्यों से मिलकर होगा, लेकिन अनुच्छेद एक में कहीं भी उन राज्यों का नाम दिया नहीं रहता। उन राज्यों का जो नाम दिया रहता है वो दिया रहता है किसमें, अनुसूची एक में। किसमें दिया रहता है, अनुसूची एक में, शेड्यूल वन। आर्टिकल वन में केवल क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन उन राज्यों का नाम वहां दिया नहीं रहता। उन राज्यों का विस्तृत नाम कहां रहता है, अनुसूची एक में। इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि जो आर्टिकल्स होते हैं, जो अनुच्छेद होते हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या हमको किसमें मिलती है, अनुसूची में। इट मीन शेड्यूल्स आर द एक्सटेंडेड या एक्सपांडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये पहला क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप अगर संविधान के अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 और कुछ हद तक है 351, ये राजभाषा से या भाषाओं से क्या है, ये संबंधित है। तो इनमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि संसद की भाषा क्या होगी। इस बीच मतलब आर्टिकल अगर आप 344 से 351 तक देखेंगे तो इसमें संघ की क्या भाषा होगी, राज्य की विधानमंडल की क्या भाषा होगी, हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या भाषा होगी, पार्लियामेंट की क्या भाषा होगी, प्रकार प्रकार की डिस्कस में किया गया है। हम छोटी वीडियो बना रहे हैं, जो काम की चीज है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये और ये आर्टिकल 344 और 351 जो है ये भाषाओं से क्या है, संबंधित है। और उन्हीं भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में की गई है, तो आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची एट्थ शेड्यूल में किसका उल्लेख किया गया है, भाषा। तो आठवीं अनुसूची में किससे संबंधित है, भाषाओं, ठीक है, भाषा लैंग्वेजेस, ठीक। तो वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22, लेकिन जब संविधान लागू हुआ या मूल संविधान की हम अगर बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं नहीं थी। समय समय पर कुछ और भाषाओं को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14। तो समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, न्यू लैंग्वेजेस जो है वो इंसर्ट किए गए किसमें, 8 शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची। तो वो कौन कौन सी भाषा है 14 के बाद, ठीक है, जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको संविधान संशोधन याद करना पड़ेगा। तो आप मुख्यतः स्टार्टिंग में 3 और फिर बाद में एक और याद करेंगे, कौन कौन सा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला याद करेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम,
ठीक। उसके बाद याद करेंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर याद करेंगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये तीन तो पहले याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि तीन जो है वो भाषाओं के सम्मिलित होने से संबंधित है, और जो एक करेंगे वो भाषा का नाम परिवर्तन, ठीक है, उसको भी देखेंगे। पहले तीन, देखिए 21वां के द्वारा जो है वो 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी, कौन सी सिंधी, तो 15वीं भाषा कौन सी हुई, सिंधी, ठीक है। 71वां के द्वारा तीन जोड़ा गया था, कौन कौन सा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, तो क्रम भी याद करेंगे। तो 16वां कौन सा हो गया था, कोंकणी, 17वां मणिपुरी और 18वां नेपाली। लेकिन इसको, ये तो क्रम हुआ, लेकिन याद करने के लिए आज तक तो कभी क्रम शायद पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन 71वां के द्वारा तीन लैंग्वेज कौन कौन से जोड़े गए ये अवश्य पूछा गया। उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है नमक, कौन सा ट्रिक है, नमक, ना मतलब क्या होता है, नेपाली, म का मतलब आप समझ ही गए हैं आप कौन सा, मणिपुरी, और का मतलब क्या हुआ, कोंकणी, ठीक है। ये तीन लैंग्वेज जोड़ा गया किसके द्वारा, थ्रू 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डन। उसके बाद आते हैं 92वां, 92nd, ठीक है, इसके द्वारा चार लैंग्वेज जोड़ा गया, कितने लैंग्वेज, चार, कौन कौन सा याद करेंगे, पहला बोडो, दूसरा डो से क्या आ जाएगा, डोगरी, डोगरी, ठीक है, बोडो डोगरी, उसके बाद आएगा कौन सा, मैथिली, और चौथा कौन सा आएगा, संथाली। तो ये चार लैंग्वेज हो गए कौन से के द्वारा, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डो से फिर क्या आ गया, डोगरी मैथिली संथाली, काफी मतलब होमोनिम्स टाइप का लग रहा है ना, सुनने में एक जैसा, मैथिली और संथाली, है ना। तो टोटल ये कितने हो गए, 22 भाषा जो कि वर्तमान में आपको आठवीं अनुसूची में दिखेगा। तो कौन कौन सा देखा आपने, तीन संविधान संशोधन, बेटा एकदम याद कर लो कौन कौन सा रिलेटेड है भाषा से, 21वां 71वां और 92वां, ठीक है। 21वां के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 71वां के द्वारा तीन, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, और 92वां के द्वारा चार, कौन कौन सा, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ठीक है। एक संविधान संशोधन आप और याद करेंगे जो भाषा के सम्मिलित होने से तो संबंधित नहीं है, लेकिन भाषा का नाम थोड़ा चेंज किया गया, वो कौन सा है, 96वां, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया, जो ओडिया है, इंग्लिश में अगर ऐसा लिखे ओडिया, इस ओडिया को क्या किया गया, ओडिया, ODIA, ठीक है, ये याद रखेंगे, ओडिया को, मतलब उड़िया को ओडिया किया गया, उड़िया को ओडिया किया गया, ठीक है, उसे ओ किया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक। तो ये टोटल चार संविधान संशोधन जो है वो मुख्यतः भाषा से क्या है, संबंधित है, ठीक है। अब आप बात करेंगे आठवीं अनुसूची की, जब हमने बात किया तो हम थोड़ा सा और भी इसमें देखेंगे कि आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो इसको हम याद करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक से, ABCD से, ठीक है, ध्यान रखिएगा और मेरे साथ साथ याद करते चलिए, ठीक है। देखिए शामिल कौन कौन सी भाषा है, हम पहले ABCD लिख रहे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और एक कौन सा हो गया, यू। बड़ा आसान है, ABCD से हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को फिलअप करते जाएंगे। ए से एक याद रखिएगा, A1 वो कौन सा है, असमिया, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं है,
या कौन सी भाषा जो थी वो मूल संविधान में नहीं थी। तो मूल संविधान में कौन सी नहीं थी, वो आप जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए भाषा है वो नहीं थी मूल संविधान में, आप वैसे बिल्कुल याद कर सकते हो। और ये तो टोटल आपकी 22 भाषा है, ठीक है, बस 20 से 2 है, बी टू याद रहेंगे बंगाली और दूसरा बोडो, ठीक है। सी से कुछ नहीं है, डी से एक है, कौन सा, D1 डोगरी, ठीक है। ई से कुछ नहीं है, एफ से कुछ नहीं है, जी से क्या हो सकता है बताइए, G1 जी से क्या हो जाएगा, गुजराती, ठीक। एच से एक है, हमारी भाषा जो है कौन सी, नॉट राष्ट्रभाषा, हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। H1 से क्या है, हिंदी। आई से कुछ नहीं है, जे से कुछ नहीं है, के से है, के से K3 याद करेंगे, एक कौन सा हो गया कश्मीरी, दूसरा कन्नड़, और एक बाद में जोड़ा गया कौन सा 71वां के द्वारा, कोंकणी, ठीक है। तो कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी। एल से कुछ नहीं है, एम से 4 है, याद रखेंगे M4, ऐसे याद कीजिए, के से 3 बोलना है, 3 लैंग्वेज, इसलिए मैंने 1-2 करके कॉन्सेप्ट डाला ताकि आपके दिमाग में A1 B2 ऐसा करके याद कीजिएगा, ठीक है। M4 से 4, पहला कौन सा आ जाएगा, मलयालम, मराठी, मणिपुरी और मैथिली, कौन से हो गए 4, मलयालम, मराठी, मणिपुरी और मैथिली, डन, 4 हो गया। N से 1 है, कौन सा, नेपाली, जो आपने देखा बाद में जोड़ा गया था 71वां के द्वारा। O से अब क्या हो गया, उड़िया, क्या हो गया, उड़िया, ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा 96वां के द्वारा, इसको उड़िया से उड़िया किया गया। P से 1 है, कौन सा, पंजाबी, ठीक है, P से 1 है पंजाबी। Q से कुछ नहीं है, R से राजस्थानी भी नहीं है, याद रखिएगा ना, राजस्थानी भी नहीं है, कई लोगों को लग सकता है कि R से राजस्थानी हो सकता, राजस्थानी को कोई ऐसी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। S से याद रखेंगे, S से 3 है, एक तो सबसे प्राचीनतम भाषा, यह भाषाओं की जननी जिसे कहा जाता है, किसको, संस्कृत, है ना, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 15वां भाषा कौन सा जोड़ा गया था, सिंधी, और फिर कौन सा जोड़ा गया, संथाली, है ना, हो गए 3। टी से 2 है, ठीक है, एक कौन सा, तमिल, और एक कौन सा है, तेलुगु, तमिल और तेलुगु, T2 तमिल एंड तेलुगु, साउथ के दो लैंग्वेजेस है। और यू से क्या है, उर्दू, क्या है, उर्दू। तो देखिए ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको पूरे 22 के 22 भाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, कौन कौन सा, A1 असमिया, B2 बंगाली और बोडो, C से नहीं है, ठीक है, किस फिर किससे है, D से, मतलब A1 हो गया, B2, उसके बाद D1 से क्या है, डोंगरी, E से नहीं है, F से नहीं है, G1 से क्या है, गुजराती, H1 से हिंदी, एक ही है, I से नहीं है, J से नहीं, K से 3 है, कौन कौन सा, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी, याद हो गया होगा। L से नहीं है, M से 4 है, कौन कौन सा, मलयालम, मराठी, मणिपुरी और मैथिली। N से 1 है, कौन सा, नेपाली। O से क्या है, O से है आपका उड़िया, ठीक है, 96वां याद रखिएगा इससे। P1 से क्या है, पंजाबी, एक ही लैंग्वेज है। Q से नहीं है, R से नहीं है। H से 3 है, सब कौन सा, संस्कृत, सिंधी और संथाली, संस्कृत, सिंधी और संथाली। T2 से कौन सा है, तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु। और यू से क्या है, उर्दू, कौन सा है, यू से उर्दू। तो ये रहा आपके 22 भाषा जो कि आपके 8वीं अनुसूची में क्या है, शामिल है, ठीक है। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, आपने कहीं भी यहां क्या नहीं देखा, अंग्रेजी नहीं देखा, मतलब अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन तब भी हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हुआ, वहां की जो कार्यकारी भाषा है, वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी कामकाज की भाषा है, वो अंग्रेजी है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजी हमारे 22 भाषा में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। आपको और एक बात बता दूं कि ये जो 22 भाषा है इनका क्या महत्व है, इनका महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहला अगर महत्व आप कोट करेंगे, ठीक है, तो पहला महत्व तो ये है कि आपके, आपने राजभाषा आयोग सुना होगा,
ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 22 भाषा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि ही आपके राजभाषा आयोग के क्या होते हैं, अन्य सदस्यों में शामिल होते हैं। तो पहला बात तो ये हो गया कि 22 भाषाओं के सदस्य राजभाषा आयोग के सदस्य मनोनीत होते हैं, ये पहली भाषा। दूसरा, आप यूपीएससी सुने हैं, संघ लोक सेवा आयोग सुने ही हैं, सॉरी इस बात बोलने के लिए आप सुने हैं, बिल्कुल आप सुने हैं, ठीक है। तो जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उत्तर, जो विद्यार्थी उत्तर लिख सकता है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा में संक्षेप में लिख दे रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, इसमें किसी भी लैंग्वेज में क्या है इसको किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा हमारे भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले जो राज्यों के निर्माण की मांग उठी थी वो भाषा के आधार पर ही उठी थी। आपको मालूम है कि मद्रास प्रांत से जो तेलुगु भाषी है उनके लिए अलग राज्य बनाने की मांग स्वतंत्रता के बाद से ही उठने लगी, जिसके लिए समय समय पर बहुत सारी समितियां भी गठित की गई। पहले आपको याद हो जस्टिस धर समिति का गठन किया गया था, उसके बाद JVP अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीतारमैया के द्वारा भी क्या किया गया, एक समिति गठन किया गया। लेकिन सभी समितियों ने क्या कहा कि राज्यों के गठन का अगर किया भी जाना है तो उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए। मतलब सभी ने भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग को लगातार क्या करते रहे, ये समितियों के द्वारा खारिज किया जाता रहा है। लेकिन तब भी ये मांग बहुत ही प्रबल रूप से उठ रहा था। और इसी के तहत आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, मतलब मद्रास क्षेत्र से जब तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण की मांग उठ रही थी और उसमें एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामलू, क्या नाम था उनका, पोट्टी श्री रामलू। तो वो पोट्टी श्री रामलू क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, तो वही हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और उसी के बाद जो है राजनीतिक गतिविधियां और तेज होती है और फिर आनंद फानंद में बोल सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का क्या होता है, गठन होता है। तो भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद अगर देखेंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और इसके बाद फिर लगातार और भी अलग अलग प्रांतों से भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग उठती रही, जिसके कारण सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया था, फजल अली आयोग, है ना, आपने पीएससी क्वेश्चन भी बन चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। मैं यहां संक्षेप में लिख दे रहा हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे आपको मालूम है, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति, रिटायर्ड जस्टिस थे न्यायमूर्ति फजल अली, और इसके जो अन्य सदस्य थे, अदर मेंबर्स थे, ये नाम भी याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजड़ू, ठीक है, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजड़ू। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया था और कई सारे राज्यों का निर्माण किया गया था, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। मतलब भाषा के आधार पे भी राज्यों के गठन का मांग चलता आ रहा है। और इसी प्रकार की एक मांग जो आपने देखा कि जो आपके 22वीं अनुसूची में है, कौन सा, बोडो, है ना, ये असम क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या है, बोडो भाषा है। तो बोडो लैंग्वेज बोलने वाला जो क्षेत्र है वो लंबे समय तक अपने अलग राज्य के निर्माण की क्या कर रहा है, मांग करता आ रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जैसे अभी कहा ना कि इस 22 भाषा के ही जो सदस्य होते, जो प्रतिनिधि होते हैं, बोलना चाहिए जो 22 भाषा का ज्ञान अलग अलग जो प्रतिनिधि है वो राजभाषा आयोग में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 344 के तहत राज भाषा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है।
द कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 344। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक क्या होता है, इसके अगर सदस्य की हम बात करेंगे, इसकी संरचना की बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, अदर मेंबर्स। ठीक है, अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अन्य सदस्य की अगर हम बात करें तो अन्य सदस्य कौन, एक तो अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य में होंगे 22 भाषाओं के प्रतिनिधि। The representatives of 22 languages, ठीक है, मतलब कुल इसमें कितने अन्य सदस्य होते हैं, तो 22 के 22 ही होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं इसी आर्टिकल के तहत संविधान निर्माण के बाद प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। आपको ये बात बता दूं संविधान में ये बात उल्लेखित है था कि संविधान निर्माण होने के पश्चात 5 वर्षों की समाप्ति के पूर्व ही, शब्दों पे गौर कीजिएगा, संविधान लागू होने के पश्चात 5 वर्षों की समाप्ति के पूर्व ही राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके पश्चात हर 10 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका गठनकर्ता कौन है, ऑब्वियसली राष्ट्रपति के द्वारा। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बात पहली बात क्या थी कि संविधान लागू होने के बाद, मतलब आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके 5 वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 1955 तक एक आयोग का गठन हो जाना चाहिए था और उसके बाद यह आकांक्षा रखी गई कि हर 10 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। क्लियर है, तो और इसी के तहत 1955 में प्रथम राज भाषा आयोग का गठन किया गया। अंडर दिस प्रोविजन द फर्स्ट कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955 और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, इनके अध्यक्ष बनाया गया किसको, बीजी खेर, अर्थात बाल गंगाधर खेर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, राजभाषा आयोग से क्या उम्मीदें की जाती है, मतलब इनका कार्य क्या है, इनका दायित्व क्या है, तो सबसे पहला यह दायित्व है कि संघ अपने कार्यकारी भाषा, अपने ऑफिशियल प्रोसीडिंग में हिंदी का कैसे अधिक से अधिक उपयोग करे, इस बात पर वो सुझाव देगा, मतलब हाउ टू, मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूनियन इन सेंटर, इसके बारे में क्या करेगा, वो रिकमेंडेशन देगा। दूसरा सुझाव यह देगा कि अंग्रेजी का कैसे कम से कम प्रयोग किया जा सके या निर्बंधन किया जा सके, हाउ टू यूज, बोल सकते लिस्ट यूज ऑफ इंग्लिश, कैसे कम से कम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसके बारे में सुझाव देगा। साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या भाषाएं होंगी, कैसी भाषाएं होंगी, इसके बारे में क्या करेगा, यह सुझाव देगा। और भी बहुत सारे काम है, और साथ में ये भी आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति समय समय पर राजभाषा से संबंधित जो भी कार्य, जो भी दायित्व उनको सौंपेंगे, इंट्रस्ट करेंगे, उन दायित्वों को इनको पूरा करना है। यहां मैंने जो बात बोला, आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या उनकी प्रोसीडिंग लैंग्वेज क्या होंगी, उनका कार्यकारी जो भाषा होगा वो क्या होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही या प्रोसीडिंग्स किस भाषा में होगी, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस भाषा में होगी, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दूं, आर्टिकल 348 जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। तो आपको बता दूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्यकारी, सारे कार्य इंग्लिश में होती है, सारे कार्य, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा का प्रयोग होगा ऐसी कोई भी प्रावधान राजभाषा आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी कार्यवाही, नॉट गतिविधि, कार्यवाही है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, वो सब के सब किस में होते, इंग्लिश में होता है। इंग्लिश के अलावा हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट में हेबियस कॉर्पस, आप जानते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, आप जानते हो किसी के अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन से संबंधित है, किसी को अगर, आपको मालूम है 24 घंटे से अधिक किसी को अगर बंदी बनाया जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थ ही होता है कि न्यायालय बोलती है सशरीर हमारे सामने उपस्थित करो। तो 1971 में बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित एक पिटिशन, एक याचिकाकर्ता, एक पिटिशनर के द्वारा क्या किया गया था,
सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर, इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। और उस इनकार करने का आधार क्या था कि पिटीशन को इंग्लिश में दायर नहीं किया गया था, याचिका को इंग्लिश में लिखा नहीं गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में आप समझ गए कि कोई भी कार्यवाही जो हिंदी में होती ही नहीं, पूरा का पूरा कार्यवाही जो है वो इंग्लिश में ही होता है। अब रही बात हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में जो है, हाईकोर्ट में इंग्लिश के अलावा अन्य जो भाषा का प्रयोग, खासकर मैं अगर हिंदी की बात करूं, तो राष्ट्रपति के परामर्श अनुमति से राज्यपाल के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जो भी जजमेंट्स आएंगे, जो भी वर्डिक्ट्स आएंगे, और हाईकोर्ट के द्वारा जो भी आदेश या डिक्री दिया जाएगा वो इंग्लिश में ही दिया जाएगा, वो हिंदी में नहीं दिया जाएगा। इन बातों का भी ध्यान आप रखेंगे। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था कब, 1955 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में, क्या कि इसने रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। अब आपको बता दूं कि राजभाषा आयोग जो थी, ये तो एक परामर्शदात्री संस्था है ना, एक एडवाइजरी बॉडी है। राजभाषा आयोग के सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए, उनकी बात जो भी सिफारिशें की गई उस पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के ही 4 में, ठीक है, राजभाषा से संबंधित एक संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन किया जाता है, ठीक है। राजभाषा संबंधी एक संयुक्त संसदीय कमिटी, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ज्वाइंट मतलब बोल रहे संसद के दोनों सदनों के सदस्य इस समिति में रहते हैं, तभी इसको संयुक्त कहा जाता है, ठीक है, ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। तो अंडर दिस आर्टिकल अ कमिटी, अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये राजभाषा से संबंधित जो भी राजभाषा आयोग ने जो भी सुझाव दिया है उस पर ही विचार करती है, ठीक है। और इसी के तहत पहला समिति गठित किया गया था कब, 1957 में। पहला समिति कौन सी समिति, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था 1957 में। किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी, और आपको बता दूं कि इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य याद रखिएगा, समिति के सदस्य टोटल कितने होते हैं, 30। इस 30 में से जो होते हैं 20 जो होते हैं वो लोकसभा के, और 10 जो होते हैं वो किसमें होते हैं, राज्यसभा के। और इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू। ये क्या होता है, ये मेरे राष्ट्रपति वाले वीडियो में मैंने इसको बताया था क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने सदस्य होते हैं इस समिति में, 30। कंफ्यूज मत होइएगा, राजभाषा आयोग में 22 अन्य भाषाओं के प्रतिनिधि करने वाले सदस्य और एक अध्यक्ष, और इसमें एक अध्यक्ष और इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से इसी में से एक को अध्यक्ष बना जाता है, जिसमें 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के, ठीक है। तो यह होता है उससे संबंधित समिति, ठीक है। तो आप इससे संबंधित जितनी बातें हैं जो मैंने आपको कहा वो दोबारा आप रिकॉल कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। मूल संविधान में कितने थे, 14 थे। 15वां कॉन्स्टेबल के द्वारा जोड़ा गया था, 21वां के द्वारा, 71वां के द्वारा कितना जोड़ा गया, 3 भाषा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा। 96वां ये भी भाषा से संबंधित है, लेकिन ये भाषा के नाम में परिवर्तन, इसको रीनेम किया गया था, उड़िया से क्या कर दिया गया था, उड़िया। फिर बाकी मैंने आपको सारे वो बताए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा कि इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल बोलना गलत होगा, 22 भाषा में क्या नहीं है, शामिल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी 22 भाषा में शामिल नहीं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, खासकर कौन से, जो आपके नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, वहां कार्यकारी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वहां का जो सरकारी काज कामकाज की भाषा वो अंग्रेजी ही है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जितनी भी बातें बोला हूं उसको आप देखिएगा, आपने देखा कि ये 8वीं अनुसूची में, लेकिन जबकि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है।
आठवां मूल संविधान में आठवीं अनुसूची थी और आठवीं अनुसूची ही भाषा से क्या है संबंधित है। बाकी नौवीं अनुसूची जो है वो आपको मालूम है भूमि सुधार से संबंधित है ना। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार और अन्य सभी वो कानून इसमें रखे गए भूमि नौवीं अनुसूची में, जिस पर न्यायालय में क्या नहीं कर किया जा सकता, न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पे भी एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जिन विषयों को नौवीं अनुसूची में रखा जाएगा उन विषयों को क्या किया जा सकता है, उनका न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, नौवीं के बाद आपका दसवीं अनुसूची वो आपके दल बदल निषेध से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन संबंधित है, जो कि राजीव गांधी कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आप बहुत अच्छे से जानते हो। 11वीं जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, और जो 74वां जो संविधान संशोधन 1982 है उसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है और जो 8वीं अनुसूची है यही भाषा से संबंधित है, जिसके बारे में हमने अभी क्या के यहां चर्चा किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, आप सुझाव दीजिएगा। जैसे इस बीच स्टूडेंट बहुत बोल रहे थे कि सर हमारा जैसे दिल्ली आई में जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश की वीडियो लाइए, हमको ऐसा ही देना है। तो अगर आप किस प्रकार का कोई सजेशन होगा तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली लाऊंगा। और इस बीच आप बहुत अच्छे तैयारी कीजिए, गिन गिन के कुछ ही दिन बचे हैं आपको, आप अपनी सफलता की ओर आप धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। 12 तारीख वो तारीख होगा जब आप अपनी सफलता को मूर्त रूप देने के लिए एग्जाम में क्या होंगे, शामिल होंगे। और मेरा ईश्वर से प्रार्थना है सभी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उनको मनचाहा क्या मिले, उनको सफलता मिले, उनको मनचाहा पोस्ट मिले, जिसकी शुरुआत आपका प्री से होगा। ठीक है, बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि जब जीवन में जीवन का उद्देश्य हमारा पाना ही पाना है तो हमको डर किस बात का, क्योंकि डर तो खोने का होता है ना, पाने का कोई डर नहीं होता, डर किसका होता है, हमेशा खोने का। तो जीवन का उद्देश्य जब हमारा पाना ही पाना है तो हमको डरने किस बात का है। ठीक है, 5 दिन है, अपना बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नियमित रूप से जितना जरूरी उतना सोइए, सोचिएगा कम पढ़िएगा ज्यादा, है ना, एक्शन ज्यादा होना चाहिए देन मतलब ज्यादा सोचने से। ठीक है, काम कीजिए, बहुत मेहनत से कीजिए, ईश्वर आपका जरूर आपका सपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अगली बार फिर किसी वीडियो में आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।